हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ करंट. लेट्स एज्यूम इट, जैसे मैं हमेशा एज्यूम करता हूँ क्लॉकवाइज, तो लेट्स एज्यूम क्लॉकवाइज. अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा फिर. ओके नाउ पहला लूप, पहला यहाँ फ्रॉम हियर, पहले फुल लूप लिखना पड़ेगा. फ्रॉम हियर वी आर कमिंग हियर, सो क्या हो जाएगा बोल. प्लस से माइनस आए, माइनस फोर फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ करेंट, माइनस टू आई, देन अब इधर इधर मुड़ेंगे तो करंट को फॉलो कर रहे हो, रेड एंड रेड लाइन मैच कर रहा है, तो टू इंटू करेंट इज आई माइनस टू आई. बट यहां माइनस से प्लस आ रहे हो, प्लस टू अगेन. नाउ वी हैव टू फॉलो अप. अब ऊपर जा रहे हैं, दोनों का दोनों रेड कलर, करंट और ये दोनों सेम है, तो फोर इंटू आई, तो माइनस फोर आई इक्वल्स टू जीरो. तो वी हैव टू आई एंड फोर आई, कुल मिला के माइनस एट आई होगा, एंड माइनस फोर प्लस टू विल बी माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो माइनस एट आई इज इक्वल टू टू, तो आई इज इक्वल टू माइनस टू बाई एट, विच इज वन बाई फोर. आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर. अब चलो देखें यहाँ पे, अब हमें ए से बी चाहिए राइट. तो एक ऑप्शन तो यह है कि तुम डायरेक्शन ऑफ सर्किट को, पूरे सर्किट को दोबारा बनाओ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करो, ये एक ऑप्शन है ठीक है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था. पूरे हमें मालूम है कि करंट किधर होगा, हमने लिया क्लॉकवाइज. आई नो दैट द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, पक्का. अब लेकिन बिना कुछ चेंज किए हुए भी मैं आंसर लाऊंगा. हम सर हम करंट का डायरेक्शन उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से सर्किट बनाना, फिर से उल्टा करना, वैसा कुछ नहीं है. तो अब क्या करेंगे, वी वांट फ्रॉम ए टू बी. अब ए से बी तुम ऐसे भी आ सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि ऐसा क्यों आना, हमें आंसर तो सेम आएगा ना, अगर मैं इधर से आऊं या फिर इधर से घूम के आऊं. सो आई राइट योर वी ए, ये ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे हम लोग, तो वी ए, तो वी ए हो गया. देन प्लस से माइनस आ रहे हो, तो माइनस फोर फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ करेंट, माइनस टू आई एंड द एट द एंड वी बी, करेक्ट. जैसे लिखे थे अभी वैसा ही लिख दिया. वी ए, यहां पे वी ए नहीं लिखा, बिकॉज यहां पे मुझे एक ही पॉइंट से लूप था चाहिए था, यहां मुझे ए और बी के बीच में चाहिए. तो ए से स्टार्ट किए, वी ए प्लस से माइनस गए, माइनस फोर फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ग्रीन को भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो कर रहे हो, माइनस टू आई माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो. सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू फोर प्लस टू आई. अब सबसे बड़ी क्वेश्चन है यहां पे राइज क्या होती है, आई को वन बाई फोर लेंगे या माइनस वन बाई फोर लेंगे, करेक्ट. बिकॉज हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं किया है, करेक्ट ना, चेंज नहीं किया है, तो मेरे को माइनस लेना ही पड़ेगा. लेकिन कोई चेंज कर ले तो उसे केवल वन बाई फोर लेना पड़ेगा. बात समझ में आया. तो देयरफॉर हियर वी हैव फोर प्लस टू इंटू वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, कितना होगा बोलो. फोर माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू फोर में हाफ गया, तो 3.5 वोल्ट. सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह से कैसे लिखते हैं इक्वेशन में और एक से दूसरे पॉइंट में कैसे मूव करते हैं. देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल लूप्स, दो दो लूप्स रहेंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे और उसमें निकालेंगे ठीक है.